तो दोस्तों टुडे वी आर स्पेंडिंग 24 आवर्स इन अमेरिकन रेलवेज अराउंड 17 आवर्स फ्रॉम एटलांटा टू डीसी एंड देन अमेरिकाज फास्टेस्ट रेलवे फ्रॉम डीसी टू न्यूयॉर्क. I feel so alive. As I reach out to the sky, I find my way. अगेन दोस्तों गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी, पता नहीं क्यों जाना आना लगा रहता है बिकॉज ऑफ वर्क. सो इस टाइम आई थॉट लेट्स मेक इट मोर एडवेंचरस बाय गोइंग बाय ट्रेन. माय फर्स्ट टाइम इन अमेरिकन रेलवेज इन एमट्रैक ट्रेन. सीधा मैं जा रहा हूँ एटलांटास एमट्रैक ट्रेन स्टेशन. सो हियर वी गो एमट्रैक. ये काफ़ी छोटा स्टेशन लग रहा है एटलांटा का. एंड हियर इज द एंट्रेंस एंड ये एंट्रेंस इज ओपन till 12 a.m. and Amtrak station में कोई parking नहीं है भाई, tow हो जाएगी. और ये पूरा भरा पड़ा है आज. So वो रही हमारी train number 20 आ चुकी है DC से सीधा Atlanta and I'm gonna take that to Washington DC. जिनको नहीं पता majority वही लोग अमेरिका में train लेते हैं who cannot afford to pay the baggage fees of flights is a lot. जैसे कि अगर एक baggage add करना हो $30 and on Delta Airlines $50 तक चले जाता है. If you have a lot of baggages then trains are affordable. But in 90% of the cases, हर कोई फ्लाइट से प्रेफर करता है. मुझे देख लो, it's gonna take me around 17 hours to go to DC. Bus में 12 hours and flight में 2 hours. Wow, boarding शुरू भी हो गई है. सभी लोग खड़े हो गए, सभी बड़े बड़े baggages लेके आए हैं. Boarding शुरू हो गई है. तो walk-in होता है, सीट बुक नहीं है तो मुझे जल्दी walk-in करना पड़ेगा. And station में कोई खाने पीने का सीन नहीं है except drinks. जैसे कि पानी $1.50 का, पेप्सी $2, माउंटेन ड्यू $2, हर सारी ड्रिंक्स $2 की है. और उधर थोड़े बहुत चिप्स हैं. तो बोर्डिंग से पहले ये थोड़े बहुत चिप्स हैं, मतलब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. अगर आप प्रोटीन बार भूल गए हो तो गए. लेट्स गो. ये फर्स्ट क्लास का वेटिंग एरिया है. मैं दूसरी क्लास में वेट कर रहा था एंड अब बारी मेरी बोर्डिंग की. तो ये रही मेरी ट्रेन, ट्रेन नंबर 20 है पर यहाँ पर दूसरा नंबर 205 है. और मेरा है इकोनॉमी क्लास, उसे कोच क्लास कहा जाता है. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आज दो ट्रेन जा रही है, एक जा रही है लुइजियाना, एक जा रही है लुइजियाना यहाँ से जो अभी आएगी थर्ड ईयर में, एंड मेरी वॉशिंगटन डीसी. एंड सीट्स आर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो भागना पड़ेगा. सीट्स यहाँ से तो कम्फर्टेबल लग रही हैं. मुझे ऑन द स्पॉट सीट मिली है. लेग स्पेस से देखो, इट्स अमेजिंग. सो इट्स माइंड ब्लोइंग यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आपको दोबारा दिखाता हूँ. तो सबसे पहले ये सीट देख के आप थोड़ा अंदाजा लगा लो कितनी स्पेस है. अगर मैं 5'8" का हूँ, यहाँ पे लेग्स आ रहे हैं. जब मैं इकोनॉमी क्लास में होता हूँ यहाँ पे मेरे लेग्स टकरा रहे होते हैं 5'8" हाइट के लिए कभी कभी अगर ऐसे हो जाऊँ तो. अब देखो कितनी ज़्यादा स्पेस है. और अगर मुझे अभी रेस्ट करके सोना हो तो ये देखो मैजिक. यहाँ पे आराम से मैं ऐसे पैर रख के देखते कितने नीचे जाता है भाई. अच्छा ये थोड़ी बहुत, हाँ थोड़ा हार्डवेयर इनका थोड़ा ख़राब है पर हाँ अब सही है. अब पूरा इधर पैर रख के अब देखते कितनी पीछे जाती है सीट. माइंड ब्लोइंग स्पेस. तो सो सकता हूँ मैं. जस्ट कनेक्टेड टू एमट्रैक वाईफाई, अभी तो नहीं चल रहा, नॉट वर्किंग एट द मोमेंट, बट दिस इज वेरी कम्फर्टेबल. एवरी सीट हैव टू आउटलेट्स. तो मेरा आउटलेट तो सेट, लैपटॉप चार्जिंग. Or let's go. We are leaving exact on time, 11:30. So ये कुछ ऐसा दिखता है Amtrak का बाथरूम. It's just coach class. So I think it is pretty good. Honestly, मैंने आज से पहले अगर इंडिया की किसी ट्रेन में ट्रैवल किया, that is Shatabdi from Amritsar to Delhi. So मुझे सीट्स काफ़ी कंपेटिटिव लगी उसके साथ. और अभी मेरी विंडो सीट थी और इन्होंने चेंज कर दी किसी तरीके से. कहते कि काफ़ी सीटें खाली हैं ऑब्वियसली, बट दे आर नॉट अलाउिंग मी टू चेंज. कहते कि अभी नेक्स्ट स्टेशन में और लोग आएंगे, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उस हिसाब से मुझे विंडो सीट देंगे.
पता नहीं यार इनका बुकिंग वाला सिस्टम नहीं है वो मुझे अच्छा नहीं लगा. सो द बाथरूम इज प्रीटी क्लीन ऑनेस्टली पर प्रॉब्लम ये कि पानी इतना गर्म है मैं हाथ ही नहीं धो पा रहा. धुआं निकल रहा है पानी से भाई इतना. ये देखो धुआं इतना निकल रहा है कि मैं हाथ ही नहीं धो पा रहा इतना गर्म पानी है भाई साहब. सो अब मिलेंगे सीधा सुबह मैं तो सोने लगा. विल सी यू टुमारो. The next day. सुबह के 7 बजने वाले हैं. I slept for almost 6.5 hours. अभी तक we are just in North Carolina. अभी तक इसके आगे वर्जीनिया तक नहीं आया यार. The state is really slow. Biggest stop Greensboro, North Carolina. After almost 7 hours. मैं ब्रश करते करते हाथ लाल हो रहे हैं यार. इतना गर्म पानी है कि मैं माउथ रिंस करना भी बहुत मुश्किल है. It's really hot. Look at this. Like धुआँ धुआँ से आ रहा है. I think आई कैमरा में विजिबल नहीं है बट बहुत धुआँ आ रहा है. So these are the options. I'm gonna go for oatmeal breakfast. के सारे options हैं. यहाँ पे साथ में dining area भी है. So on the dining area, which is very well lit, I'm gonna eat my breakfast. Oatmeal plus milk, cup of milk. ये दो मुझे पड़े $4.5 का. Not too bad. And I think this should be filling enough. इनका bar सुबह सुबह खुल गया था. क्या बात है. और साथ में tray दी उन्होंने. I'm pretty sure ये बहुत मीठा होने वाला है. मेपल एंड ब्राउन शुगर है. एंड इनका ट्रैश कुछ ऐसा है. यू हैव टू पुल इट. काफी लोग चादर वगैरह लेके आते हैं. देख तुम प्रिपेयर्ड टू स्लीप. लकीली मैं जैकेट लाया था. जैकेट के साथ कंफर्टेबली सो पाया. इस रोड पे है स्पीड लिमिट 35 तो हम आराम से उस कार को बीट कर पा रहे हैं. गुड बाय कार. इन्होंने जो दूध दिया इसमें एक्सपायरी डेट लिखी है पर ये अक्टूबर 12 लिखा हुआ है तो आज अक्टूबर 9 है. ठीक है चलेगा. एंड वंस अगेन दोस्तों वाईफाई नॉट वर्किंग एंड ओनली माय डेटा इज वर्किंग. और उस हॉटस्पॉट में भी स्पीड कम ही आ रही है. लाइक नॉट मच नेटवर्क इन वर्जीनिया. मैं फिर से सो गया था. अभी सेकंड स्टॉप इन वर्जीनिया एंड अभी भी बहुत नींद आ रही है. सो अभी अनाउंसमेंट हुई कि आवर ट्रेन इज गोइंग टू स्टॉप बिकॉज एक और एमट्रैक ट्रेन है विच इज गोइंग टू क्रॉस अस. तो हम वेट करेंगे एंड देन दे विल then we will proceed. तो थोड़ा सा लेट होंगे. आई एम सपोज टू रीच डी सी एट 2 PM ऑलमोस्ट आफ्टर 14 hours. या आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 14 hours पर शायद 15 hours के बाद पहुँचूंगा. अगर बस ली होती तो 12 hours में पहुँच जाता. आई हैव नोटिस दोस्तों मेजॉरिटी पीपल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लेते हैं जैसे अटलांटा से लेकर वर्जीनिया तक, वर्जीनिया से लेकर न्यूयॉर्क तक, वॉशिंगटन डी सी से न्यूयॉर्क. शॉर्ट डिस्टेंसेज जिसे डिफाइन करते हैं अमेरिकन्स एंड इट्स टू लॉन्ग टू ड्राइव टू शॉर्ट टू फ्लाई. उन डिस्टेंसेज में ये ज़्यादा चल रही है. जैसे अभी वर्जीनिया आया था ये पूरी ट्रेन भर गई. अब वैसे ही आई एम प्रीटी श्योर कि अभी जैसे ही डी सी आएगा डी सी टू न्यूयॉर्क वाली जो मेरी ट्रेन होगी वेट फॉर इट बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी होपफुली बिजनेस क्लास. मैंने ऑप्शन के लिए नाम दिया हुआ है. आई हैव बिड फॉर फर्स्ट क्लास. देखते हैं मुझे अपग्रेड मिलता है कि नहीं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. एंड जिनको नहीं पता द फास्टेस्ट रेल नेटवर्क इन द US इज फ्रॉम न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन डी सी विच इज SLR. दैट्स द फास्टेस्ट ट्रेन एवर. आई एम गोना कंपेयर द स्पीड. मज़ा आने वाला बहुत. सो फॉर लंच में दे हैव आई थिंक शेडर एंड टर्की. आई थिंक टर्की नहीं मुझे पसंद तो मैं नहीं खाने वाला. इसमें हैम है. हैम भी नहीं मैं खाता. प्रॉब्ली आई विल गो फॉर सैलड. सो और क्या वेगन बारबेक्यू बर्गर. आई थिंक दिस साउंड्स गुड. ये ले लेते हैं. देवर आउट ऑफ वेजिटेरियन बर्गर चिकन बर्गर कुछ भी नहीं था. सो आई गॉट पिस्टैशियोस एंड मिल्क. दोबारा मिल्क पीना पड़ेगा. सो ये हुआ 160 कैलोरीज एंड अराउंड
6 grams of protein. और ये $1 का था, ये $5. I know that we would never work. I know that someone would get hurt. I think I have to let you go. Should be easy. So this is the map of metro system of DC. तो अगर आप ध्यान से देखो, we were before at King Street, which is right here. So this is where we were, which is in Virginia. तो ये जो मेट्रो है ये यहाँ तक भी जाती है. I could have stopped there and यहाँ से सीधा मैं खुद से यूनियन स्क्वायर जा सकता था, which is somewhere in the middle. पर मैंने सोचा कि अगर पैसे दिए ही हुए हैं यूनियन स्क्वायर तक वॉशिंगटन डी सी, let's just go in this train and the अच्छा सा नेटवर्क आ रहा है and it's very comfortable. So decided to stay here and then यहाँ से सीधा मेट्रो, यहाँ से सीधा यूनियन स्क्वायर and that's DC's red taxi. You're stuck inside my head. Oh, I can't stop thinking about all the words you said. I think I have to let you go. So there was the first train journey completed today and I think infrastructure mein kaafi improvements ki zarurat hai. For example, mera flush kaam nahi kar raha tha subah subah, to maine report kar diya immediately. Wahan pe likha bhi tha koi problem aati hai saath mein report kar do. Maine report kar diya. Iske alawa matlab 15 minute late hai, koi baat nahi, chalo chhota mota itna bhi badi baat nahi hai. And other than that, abhi announcement hui ki yahan se jab New York City ja rahi hai train, tab chargers band ho jayenge. Jinko charge karna tha phone, sirf DC tak hi chalega, Atlanta to DC baad mein nahi chalega. So thodi बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है. मैंने सुबह से सिर्फ दूध पिया है, तो दो भी दो कप सिर्फ, तो इस कारण आई एम गोना लुक फॉर रियल फूड. Since I have a meeting soon, तो ये सैलेड चलेगा. It's $12. एंड वंस अगेन दोस्तों, वॉशिंगटन डी सी इज द क्लीनेस्ट सिटी आई हैव बीन टू. मतलब इतनी ज़्यादा साफ दिखती हैं सड़कें, एवरी थिंग, नो स्क्रैचेज एट ऑल. और ये एरिया यूनियन सेंटर, इसके नीचे ही मेट्रो स्टेशन है, बट मेरे हॉस्टल में मेट्रो नहीं जाती, सो दैट्स वाई आई हैव टू टेक एन ऊबर. एंड ये काफ़ी मुझे सी पी की याद दिलाता है इन दिल्ली. तो ये है मेरा हॉस्टल दोस्तों. लुक एट ऑल द बिल्डिंग्स, दे आर सो शाइनी एंड क्लीन. एवरीथिंग लाइक इट्स सो शाइनी एंड मच क्लीनर देन एनी अदर बिल्डिंग आई हैव सीन. बहुत शाइनी है. मेरे हॉस्टल की लोकेशन काफ़ी शानदार है. सो ये हॉस्टल है. जब अर्पित के साथ डीसी आया था तब भी इसी हॉस्टल में रुके थे. एंड साथ में टू माई राइट इज ए ग्रोसरी शॉप. चलो चले चेक इन करने. सो दिस इज द रूफ टॉप ऑफ माई हॉस्टल दोस्तों. तो जब मैं 3 इयर्स पहले आया था और 4 इयर्स पहले भी आया था, हमेशा इसी हॉस्टल में रहा हूँ. और पहले मुझे पड़ता था $15-$20 a day. Now $45 a day. Inflation is really really high in the last 3 years. Came to Mexican restaurant and सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं था. Finally having real food in a Mexican restaurant. इस बार क्वांटिटी इतनी भी अच्छी नहीं है जितना यूजुअली होती है. तो इसमें ये 3 है एंचिलादास, ये चिकन एंचिलादास, ये थोड़े से राइस और बीन्स. काश थोड़े सा ज़्यादा खाना होता, क्योंकि भूख बहुत लगी है. सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी मैं उठा अपने हॉस्टल से एट 5 AM इन द मॉर्निंग. टुडे इज़ माई फास्टेस्ट ट्रेन एट 6 AM फ्रॉम वॉशिंगटन DC टू न्यूयॉर्क. कहना आसान है कि मैं 5 AM उठाऊँ, पर असलियत में आई एम स्टिल एक्सट्रीमली टायर्ड. वो जो ट्रेन जर्नी थी ना 15 आवर्स की, वो ईजिली सेट कि यार बहुत कम्फर्टेबल था, अच्छे से सो गया. पर जब शाम हुई तो रियलाइज़ कि बॉडी टूट चुकी है, चक्कर आ रहे हैं, चलना मुश्किल हो रहा है. ट्रेन आर मच मच टायरिंग. एंड श्योर यार कि आज की ट्रेन जो DC से न्यूयॉर्क है, फास्टेस्ट फॉर श्योर,
बट कितनी टायरिंग होती है लेट्स फाइंड आउट एंड बिजनेस क्लास. सो फाइनली डिड अ ऊबर. मैंने देखा कि मेरे हॉस्टल से जो मेट्रो जाती है उससे लूंगा तो 28 मिनट्स लगेंगे, वॉक करूंगा तो 35 मिनट्स लगेंगे. या तो वॉक करना बेटर है या फिर ऊबर, तो मैंने ऊबर चूज किया. अभी मेरे हॉस्टल वाली रोड में यूनियन सेंटर से 30 मिनट्स वॉक है, कोई भी नहीं है. एट लाइक 6 AM इट्स कम्प्लीटली डार्क, पर फिर भी बहुत सेफ फील हो रहा है बिकॉज यू नो यहाँ पे आस पास इतने होमलेस लोग नहीं दिखते और हर कोई मतलब यहाँ पे रोड्स देखो इतनी रात को भी कितनी साफ है, स्क्रैचेस तक नहीं है रोड्स पे यार, जितने मतलब न्यूयॉर्क में बाकी रोड्स पे होते हैं. और ये रोड भी देखो कितनी ज़्यादा साफ दिख रही है इवन एट लाइक 5 AM इन द मॉर्निंग. यप, सो सेफेस्ट प्लेस टू बी एट 5 AM मुझे जितना अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है. मेरे साथ में ही DC स्कूटर की शॉप है, ये सारे स्कूटर ऐसे ही पड़े हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डर नहीं है कि चोरी होंगे. दैट्स अ बिग थिंग हियर. आई लाइक ड्राइव. ओह सो दैट्स इट राइट, आई शुड स्टॉप हियर. ओह या दिस ओके, थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम, थैंक यू, हैव अ गुड वन. यू टू, थैंक यू. सो आई एम नाउ हियर एट द यूनियन स्टेशन अबाउट टू टेक द फास्टेस्ट ट्रेन. एंड ये जो राउट है जो मैं ले रहा हूँ अराउंड माई ट्रेन विच इज़ फ्रॉम वॉशिंगटन DC टू न्यूयॉर्क, इट्स द मोस्ट टेकन. ये जो बेल्ट है ना वॉशिंगटन DC टू बॉस्टन, इट्स द ईस्ट कॉरिडोर एज दिस ए. 30% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाथ इज दिस वन. मेजॉरिटी ऑफ मनी मेड बाई Amtrak इज थ्रू दिस वन. 40% अराउंड ज़्यादा पैसा यहीं से आता है. रेस्ट ऑफ द ट्रेन नेटवर्क इज नॉट गुड. एंड अगर ध्यान से देखोगे सिमेट्रिकली दिस इज राइट इन फ्रंट ऑफ द वाइट हाउस. सो I think no, this is right in front of the Capitol building. So bilkul samne hai Capitol building, bilkul vertically. And now I am going straight to Union Center, which is right here. You had me at a low. एंड मेजॉरिटी अमेरिकन ये राउट पता है क्यों लेते हैं, इवन दो इट्स लाइक 30 मिनट्स मोर देन फ्लाइट राउट अगर आप जाते हो चेक इन वगैरह, बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस. यू स्टार्ट फ्रॉम द सिटी, ये यूनियन सेंटर सिटी का पार्ट है, मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड है, सिटी से सीधा मैनहट्टन में मिडल ऑफ मिड टाउन पेन स्टेशन. सो ये जो कन्वीनियंस है सिटी टू सिटी डोर टू डोर, ये सारे पैसे इसके कारण सारे पैसे वर्थ इट. तो दोस्तों मैंने अभी बिड किया था टू अपग्रेड बिजनेस क्लास टू फर्स्ट क्लास, वैसे ही $150 की ये ट्रेन पड़ी थी. मैंने बिड भी कर दिया $100 की फर्स्ट क्लास अपग्रेड हो जाए, पर बिड वॉज अनसक्सेसफुल क्योंकि ये कहते हैं अभी ऑन द स्पॉट. मैंने अभी बिड करने की कोशिश की, ऑन द स्पॉट अपग्रेड करने की कोशिश की बिजनेस क्लास ट्रेन टू फर्स्ट क्लास, दे सेड $400. पर पता नहीं बिजनेस क्लास भी इनफ ही है, मैं तो $400 फर्स्ट क्लास के लिए नहीं दूंगा बिकॉज टुमारो एक और अपग्रेड है फर्स्ट क्लास. हम ट्रिप करने वाले हैं न्यूयॉर्क टू DC बाय बस, तो इस कारण आज अपग्रेड करने का फ़ायदा नहीं है. सो इट विल बी लाइक इकोनॉमी बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास ऑल 3 एक्सपीरियंसेस इन 3 डेज. ये इनका फूड कोर्ट है, चिकफिले सारे रेस्टोरेंट्स है, बट एट 5 AM इट इज़ क्लोज्ड, 5:30 AM क्लोज्ड. सो द ट्रेन इज़ ऑन टाइम बट गेट इज़ नॉट अनाउंस येट. 5:30 AM पे भी अनाउंस नहीं हुआ. 6 AM को आएगी ट्रेन फ्रॉम विल गो टिल बॉस्टन बट द गेट इज़ नॉट अनाउंसड. एंड खाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही बचा है बिकॉज इवन द जम्बो जूस इज क्लोज, एवरीथिंग इज क्लोज. बोर्डिंग इज शुरू, तो दिस इज माई बोर्डिंग, फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग फर्स्ट एंड माई सेलर ट्रेन विल कम एट ई साइड. सो द फास्टेस्ट ट्रेन, रियली एक्साइटेड. द बोर्डिंग इज E18, सो हियर इट इज E. वेरी एक्साइटेड फॉर द फास्टेस्ट ट्रेन. So here we go, it's on time, 6 AM, track 18. And it looks more beautiful too, like the shape is like Japanese train. And this goes up to 150 miles an hour because even though the path is little bit curvy for most of the Amtrak route, it has the ability to get adjusted to the curve. Are you ready also to go as fast as 150 miles an hour? More than around 250 kilometers an hour. Okay. Yeah. So, leaving in 15 minutes, सबसे पहले फर्स्ट क्लास Amtrak. I need to find my business class coach. Here we go. So, business class. Originates from Washington. और यहाँ पे कैफे भी कुछ खा लेते हैं. This is the eating area.
So eating area is really cool. So here is my seat. It's very comfortable. Looks very very comfortable. Business class. So try karte hain. So ye button dabaunga to puri niche chali jayegi. And let's see what's here. So sakte ki nahi? I don't think so. So sakte hain 3 hours ke liye. So ye niche aa jata hai. Oh, that's good enough. And we can bring it more down. Pichli train mein obviously zyada space thi, but this is the most money making train for Amtrak. To chalega. Kaash upgrade mil jata to maza aa jata yaar. So just like the previous train, it has 2 outlets. And let's try the Wi-Fi. So dekhte hain Wi-Fi chalta ki nahi idhar is baar. Pull up. Okay. Okay. I thought ki work kar nahi sakte. Acha pull up hai. Okay, aise kaam kar sakte ho. Interesting. Ab tak kisi Amtrak train mein Wi-Fi nahi chala hua, to dekhte hain. Amtrak Wi-Fi. Hopefully the So Atlanta se DC tak nahi chala tha. Ye papa pehli baar aa raha hai. AWS pe hosted hai inka system. So all right, I click on accept and connect. So obviously Wi-Fi, I have read it's not very fast, but it's enough to text and browse few websites, but not enough to stream. But I am very excited to be first time get an opportunity to be in the fastest train. India mein bhi maine kabhi itni fast train mein nahi chadha hai, because jo pichli train thi, it is equivalent to the speed of Shatabdi, but Shatabdi zyada fast hoti hai jo pichli train mein main tha. So India railway is definitely better, but US mein successful railway agar hai, it is for freight train. Out of the 200,000 miles of track that we have, only 10% of it is dedicated to passenger trains. The rest is owned by freight train companies. Passenger trains in the US are basically renting train tracks from the freight train companies. According to the rules, Amtrak should be given priority over freight trains, but they break the rules. So freight trains get priority. Is karan meri pichli train was delayed by 15 minutes, but let's see how on time this train is. So the difference between first class is food and the seat. Aapne seat dekha, wo kafi similar hai, but food will be given. That's the only difference. And priority check-in. Yahan pe ye chicken hai. Yahan pe this is the kitchen. That was the seat. So 5 minutes more. Ye wali seat bilkul choose na karna. Ye wali seats mein leg room kam hota hai, kyunki agar koi samne aa jaye, to legs mein jagah hi nahi bachti. तो अच्छा हुआ मैंने ये सीट चूज नहीं की. अभी मैं अपनी सीट में जाऊंगा थोड़ी देर में. एंड और एक रिकमेंडेशन, अभी मैं फर्स्ट क्लास की सीट देखी है, आपको मैंने दिखा दी. नॉट वर्थ अपग्रेडिंग. थोड़ा सा लेग स्पेस ज्यादा है बस, और खाना और कुछ नहीं. वाईफाई इज एक्चुअली गुड इनफ टू ब्राउज, पर थोड़ा सा स्लो है, पर ब्राउजिंग हो पा रही है मतलब डिसेंट स्पीड पे. स्टिल लोडिंग द पेज, बट इट्स डिसेंट इनफ. ऑलराइट, सो हियर वी गो. It's honestly more packed than I thought. So abhi it's 6 a.m. exact sharp time pe start ho chuki hai ye train. So 6 a.m. and you will see the sunrise around 6:30 a.m. So here is the cafe. I'm going to eat here. So this is the place to stand and eat. And honestly, yaar, dining area mein I can feel the speed. Agar aap dekhoge how the views are changing. I'll come in after the sunrise as well. I can feel the speed. Bahut zyada speed feel ho pa rahi hai. Above 100 miles per hour. So here's my fresh egg sandwich. I'm really excited. So let's see. And this is car number 5. Mujhe jana hai car number 6 pe. Really, really hard to walk straight. This was $7. This beer, it tastes so different. I hate these people, they're all so ignorant. I hate this song, it's like I'm alone among these friends I've always known. No, not ever. एंड आप यकीन नहीं करोगे, इन द ट्रेन ऑल्सो आई वॉज एबल टू हैव स्टेबल डेटा कनेक्शन. ऑब्वियसली वाईफाई वॉज नॉट स्टेबल, बट थैंक्स टू माई स्टेबल डेटा कनेक्शन बाय मिंट मोबाइल, विच गिव्स यू $15 में अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग. यू कैन चेक आउट बिकॉज दिस इज अ स्टील डील एंड इट इज वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू आउट द US. गो चेक आउट विद द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो. So leaving Delaware so far very much on time and very comfortable. मजा आ रहा है बहुत. 125 max जा चुके हैं हम. And also this is the bathroom of the fastest train in the US. And ये काफी clean है. I loved it. And it was same as the previous train we were in.
main reason why US doesn't have high speed trains is because the path straight near it is curvy path, and this is the only train which can go along the curvy path, and it is technology developed by France. Honestly, my fourth time to New York City, and har baar ki tarah very excited. And this will be my favorite and the coolest way to go to the city. Last 1 hour, average speed 103 miles an hour, maximum 134 miles an hour. Pretty good. Philadelphia. We hardly touched 150 miles an hour, and 130 was even for less than 5 minutes the entire journey. And both PATH train are going to World Trade Center from Newark, and I am finally leaving Newark, going straight to New York. One station away, Sina, Newark to New Jersey. 4 or 5 stops there, but it's super fast, average speed of 100 miles an hour. And majority bhi, jo bhi log yahan pe hain is train mein, aap yakeen nahi karoge, har koi banda laptop pe laga hua hai, phones pe laga hua hai. Many people commute every day from DC to New York to work there. Kyunki kaafi remote companies mein kya hota hai, ki they have to work like 2 days a week, to wo DC mein hi rehte hain. Aur subah 5 baje uthke, 6 baje train leke, seedha New York City mein 9 AM pahunchna. And you're reaching the midtown, so you can reach work by 9:30 AM and go back home at night as well. That's the magic of this train. There is enough room for everyone to walk, but seedha khade hona bhi mushkil hai when train is going at 120 miles an hour. Pata nahi kisi tarike se manage kar pa raha hu. This is a beautiful view. Beautiful view, yaar. The dining area bahut sundar hai to see the view. Isse isi karan observation deck bhi kaha jata hai kuch trains mein. I think it's probably Jersey River, some river at Jersey. And fall colors aane bhi shuru ho gaye hain. It's such an amazing view. I'm going, I think this is just flying from the New York airport. So Jersey mein achanak ke liye 2 minute ke liye train ruk chuki hai to allow the freight train. So I'm gonna get water. I think my bottle will not. Also, this is, I think, the freight train going. I don't know how to open this. Oh yeah, books. New York. And last station is Boston. Finally out, 80% se zyada train yahi pe khali ho gayi hai, rest going to Boston. I am going to take the A train to office. So subway is to the right. It is so convenient and reliable, aap yakeen nahi karoge. I reached at 8:52 AM sharp on time, 1 to 2 minutes late obviously, 8:54 how you can say. And after that, within 10 minutes, Penn Station is the biggest subway of New York. Yahan se within 10 minutes, I can reach office to Midtown Times Square. It is incredible. So someone gave me a Broadway ticket. And entry karna kitna mushkil hai, log itni tez bahar aa rahe hain, main to us side se entry karne laga. Let's enter. Wow, within one stop, 42nd Street. And in one more minute, my office is right there. Kitna paas hai yaar. DC is so convenient. Agar ye train hai, that means you can reach office at 9 AM so conveniently. Mind blowing. And sabhi log kaam kar rahe the train mein. I'm really, really amazed. It is so early ki bagel ki ready bhi nahi hai yahan pe.